प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मयि धी वेदस्यमवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासि अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तन्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शांति शांति सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरं परां शंकरं शंकरां केशवं वादरायणं तौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ और गरम कर लेते थोड़ा मूर्ख ओम सहनाभवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ उषन्न वै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र वास तगम कुमारगम संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा आविवेशसु मन्यत पीतोदका जगदत्रणा दुग्धदोहा निरीन्द्रियाः आनन्दानां ते लोकाः तान् स गच्छति तान् ददत
सहोवाच पितरम् तत कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तगम् होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किगंसि मध्यस्य कर्तव्यम् यन्मयाद्य करिष्यति अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्य पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः वैश्वानर प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतागम शान्तिं कुर्वन्ति हरवैव स्वतोदकम् आशा प्रतीक्षे संगतकं सुन्दृतां च इष्टापूर्ते पुत्र पशुगंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसौ यस्याननश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे त्रिस्रोर्यात्रे यदवासि गृहे मे अनश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् प्रतीतीन् व्रणान् व्रणीष्व शांत संकल्प सुमना यथा स्यात् वीतमन्यो गौतमौ माभिमृत्योः त्वत्प्रसष्टं मा विवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत औद्दालिकारुणिमात् प्रसृष्टः सुखं रात्रिः शैतावीतमन्युः त्वां ददृश शिवान् मृत्युप्रुखात् प्रमुक्तम्
त्वाम दद्र शिवान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया विभेति उभे तीर्त्वा अशनायादि पिपासे उभे तीर्त्वा अशनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके तयोः मृत्युः उवाच यथा बुद्धिस्त्वयि पुरस्तात् पूर्वाम् आसीः स्नेहसमन्विता पूर्वम् आसीत् स्नेहसमन्विता पितुः तव भविता प्रीति समन्वितास्तव पिता तथैव प्रतीतः प्रतीतवान् सन्नौद्दालकिः उद्दालकः एव औद्दालकिः अरुणस्य उपत्यमारुणिर्द्वया उष्णायो वामत्प्रसृष्टो अरुणस्य अपत्यम् आरुणिः द्वयाम् उष्णायणो वामत्प्रसष्टो मयानुज्ञातः सन्नितरा अपि रात्रीः सुखं प्रसन्नमनाः शयिता स्वप्ना स्वप्ता वीतमन्यु विगतमन्युश्च भविता स्यात् त्वां पुत्रम् दद्र शिवान् दृष्टवान् मृत्यु मुखाद् मृत्युगोचरात् प्रमुक्तम् मृत्युमुखाद् मृत्युगोचरात् प्रमुक्तम् संतम् प्रथम वर के स्वरूप यमराज ने उसको आशीर्वाद दिया ऐसा ही हो जैसा तुमने ये वर मांगा है वो कैसा वर है बोलते हैं यत पितुहु कम करो इको
यत पितुहु परितोषणम्, तुम्हारे पिता का जिस प्रकार से तोषण होवे, जिस प्रकार से तुम्हारे पिता प्रसन्न होवे, मैं तुमको क्या करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। तो नचिकेता ने अपने पिता के लिए सबसे पहला वर ये मांगा कि मेरे पिता मेरे जाने के बाद जो व्यथित हैं, उनका जो चित्त अशांत हो गया है, वह चित्त कैसा हो जाए, शांत हो जाए। तो शांत संकल्प, सिर्फ शांति ही चित्त में ना होवे, उनका जो चित्त हो वो कैसा हो, सुमनाहा। सुमनाहा मतलब प्रसन्नाहा, उनका मन भी कैसा होवे, प्रसन्न होवे। वीतमन्यु, उनके चित्त में से जो एक दुख एक क्लेश लगा हुआ है, वह चित्त, वह उनके चित्त में से क्या हो जावे, चला जावे। हे मृत्यु हो, हे यमराज जी, ये मुझे आशीर्वाद दीजिए और साथ में ये भी बोल दीजिए, तत्प्रसष्टम, जब आप मुझे भेजेंगे तब माँ भी वदेत प्रतीत, वो मुझे देखकर क्या कर लें, पहचान लें कि मैं उनका पहले वाला ही कौन हूँ, पुत्र हूँ। एतत्त्रयाणाम प्रथमं वरं व्रणे, ये मेरा तीन वरों में प्रथम वर है। मतलब ये शैली अभी मैं और भी प्रवचन सुन रहा था मांडुक्य में, उसमें भी ये आता है कि पहले जो शैली प्रयोग की जाती थी वो कहा जाता था जैसे कि 19 बोलना है तो उसको बोला जाता था 20 में एक कम 19, है ना, हाँ ना, एको न विंशति ऐसा शब्द आता है, तो 20 में एक कम, है ना, तो 20 में एक कम मतलब क्या हुआ, तो 19 नहीं बोला डायरेक्ट, जैसे एको न विंशति मुखः, तो 20 में एक कम मतलब 19 मुख। तो देखो ये एक शैली थी बोलने की पहले, अब देखो यहां बोलते हैं एतत्त्रयाणाम, तीनों में पहला वर ये है, देखो कितना स्पष्ट है, ऐसा नहीं कि एक ही में ये सब वर हो गए, तो उसने देखो एक ही वर में कितनी चीज मांग ली, शांत संकल्पाः, उनके जो संकल्प हैं, मन की जो वृत्तियां हैं वो कैसी हो जाएं, शांत हो जाएं, बहुत ज्यादा चित्त में वृत्तियों का प्रवाह न होवे, और जो भी वृत्तियां बहें वो कैसी हों, प्रसन्न हों। यही नहीं, उनके जो चित्त में एक क्लेश है कि मैंने ये क्यों किया, ये क्लेश भी क्या हो जाए, गायब हो जाए, और जाने पर मुझे क्या कर लें, पहचान लें, ऐसा मुझे आप क्या दीजिए, प्रथम वर दीजिए। तो अब आप देखो नचिकेता को यमराज ने कहा चलो ये पहला वर है, अभी यम कहता है और भी मुझे बोलना है, लेकिन पहले यमराज क्या बोलते हैं, पहले वर की बात कर लेता हूँ। तो कैसे पहले वर को ही पुष्ट करते हैं, क्या है, यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत, यथा पुरस्ताद भविता, जैसा तुम्होंने तुमको पहले भेजा था, जब तुम जाओगे तो तुमको वो वैसे का वैसा ही क्या कर लेंगे, पहचान लेंगे। बोले इसमें क्या शक है, बोले शक ये है कि भाई ये मृत्यु के मुख से आया है, तो भूत है कि प्रेत है कि क्या हो गया इसको, लेकिन बोले जैसे पहले था वो एक वैसे का वैसा ही तुमको क्या कर लेंगे, भविता पुरस्तात, पुरस्तात मतलब पहले, जैसे पहले था वैसे तुमको क्या कर लेंगे, प्रतीत, तुमको क्या कर लेंगे, प्रतीत मतलब पहचान लेंगे, जान लेंगे, लेकिन कब,
मत प्रसिष्ठ, जब मैं तुमको क्या करूंगा, भेजूंगा। इसका मतलब ये भी हो गया कि यमराज ने ये बात मान ली कि मैं तुमको क्या करूंगा, भेजूंगा। जब मैं तुमको भेजूंगा मत प्रसिष्ठ, तो तुम्हारे पिता तुमको पहले की पूर्ववत प्रतीत, पहले की तरह प्रीति करते रहेंगे। जैसा पहले स्नेह था वैसा ही स्नेह तुमको करते रहेंगे। कौन है भाई? औद्दाल की आरुणी। किसके लिए कहा गया ये? उसके पिता के लिए। हाँ, सुखगम रात्रि ही शयिता वीतमन्यु। वाह। और जो ये रात्रियां है ना, देखो सबसे जो कष्ट है व्यक्ति को किस में होगा? जब वो सोएगा तो उसको क्या आएगी? याद आएगी तुम्हारे पिता को। तो वो सभी रात्रि शब्द नहीं लिखा, देखो बहुवचन लिखा है रात्रि ही। अब इसका इसका उच्चारण भी कैसा होना चाहिए? जो एक तो यह विसर्ग है और विसर्ग के पहले बड़ी की मात्रा है, तो हा के बाद बड़ी ई का उच्चारण होना चाहिए रात्रि ही। तो हा के बाद क्या सुनाई दिया आपको? जैसे पुरुषाहा, तो हा के बाद क्या आना चाहिए? अ पुरुषाहा रात्रि ही, क्योंकि बहुवचन है। सुखगम रात्रि ही शयिता, तुम्हारे पिता को जो रात्रि आए, रात्रि में जो नींद आए वो कैसी आए? खूब अच्छे से नींद, खूब अच्छे से क्या हो जाए? वो सो जाए। इसका मतलब देखो रात की नींद कितनी प्रमुख है, उस समय भी इसकी बात की जा रही है। सुखगम रात्रि ही शयिता वीतमन्यु स्वाम, तुमको मृत्यु मुझसे छूटा हुआ वो देखें, है ना? मुखात, किस कौन सा मुखात? मृत्यु मुखात। मृत्यु मतलब मैं यमराज, मेरे से जब तुमको वो देखें ददृशन, तो कैसा हो? वो प्रसन्न हो जावे। मैं तुमको क्या करता हूं? ये वर प्रदान करता हूं। स्पष्ट हो गया ना पहला वर? तो जो तुमने कहा मैं तुम्हारी बातों को पुष्ट करता हूं कि ऐसा ही होगा, एवं अस्तु। अच्छा अब देखो भाष्य क्या कहते हैं। ततः, ततः मतलब उसके बाद, जब नचिकेता ने बोल लिया उसके बाद मृत्यु उवाच, यमराज ने बोला, क्या बोला? यथा बुद्धि त्वयी पुरस्तात, जैसी तुम्हारे प्रति बुद्धि पुरस्तात पूर्वम आसीत, जैसे बुद्धि पहले थी। क्योंकि ये डर लग रहा है कि कहीं अब यमराज के बाद जाने से व्यक्ति उसको पहचानने से क्या कर दे? मना कर दे। ये यही पुत्र है, ये भी कह सकता है, कोई और भेज दिया है बना के, इसमें तो बहुत कुछ हो सकता है। तो यमराज कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। यथा बुद्धिस्त्वयी, तुम्हारे प्रति जो बुद्धि थी उनकी, किसकी? पिता की। बुद्धिस्त्वयी पूर्वम आसीत, जैसी बुद्धि पहले थी। कैसी बुद्धि थी? स्नेह समन्विताः। कैसा पिता तुमको क्या करते थे? स्नेह करते थे। ऐसे ही पितुः तव भविता, तुमको पिता क्या करेंगे? प्रीति समन्विताः, तुमको भी क्या करेंगे? पिता ऐसा ही प्रेम करते रहेंगे। तथैव प्रतीति ही। मिल गया? अब इसमें एक से एक सिद्धांत है। वो सिद्धांत क्या है? देखो यह जो प्रीति करेंगे इनके पिता, उसका जो कारण होगा
वो यमराज के आशीर्वाद के कारण प्रीति करेंगे कि जो पहले से प्रीति थी उसके कारण प्रीति रहेगी? इसका मतलब पहले वाली चीज है न भाई, लिपा पोती नहीं, प्रश्न है, सिद्धांत दिख रहा है। ये जो आशीर्वाद दे दिया इसको, ऐसा प्रश्न उठा रहा हूं, प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? देखो तो इसको ऐसा सुलझा के समझे, पहले तो सरल बात देखो, हमको ऐसा लगता है, हम बोलो हम सबको ऐसा लगता है कि जो प्रीति का कारण है वो दृष्ट होता है। दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष, ये ऐसा दिख रहा है इसके कारण इसको मैं क्या कर रहा हूं, प्रेम करता हूं। लेकिन एक दूसरा भी कारण हो सकता है ना, प्रीति का दूसरा कारण अदृष्ट हो सकता है। अदृष्ट मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कोई कारण है जिसके कारण आप इस व्यक्ति को प्रेम करते हो। प्रीति का कारण सदैव दृष्ट होवे ऐसा जरूरी, मैं अभी दृष्टांत भी देता हूं। अच्छा उल्टा भी कर लो फिर, उल्टा क्या होगा? अरे क्या उल्टा, उल्टा क्या होगा भाई? विरोध का कारण भी सदैव दृष्ट होवे ऐसा जरूरी नहीं है। बन गया? सामने वाले के कारण विरोध है ऐसा नहीं है, विरोध का कारण भी व्यक्ति का अदृष्ट हो सकता है। दोनों चीजें हो गई, प्रीति का कारण और विरोध का कारण दृष्ट। तो ध्यान रखना, दृष्ट को मना नहीं किया जा रहा है, व्यक्ति के आचरण को, व्यक्ति के स्वभाव को, व्यक्ति के शिष्ट आचरण को देखकर प्रेम और हाँ विरोध संभव है, ये तो दिखता ही है, इसको मना नहीं किया जा रहा है। लेकिन एक दूसरा भी पक्ष ये है कि किसी के प्रति प्रेम का कारण दृष्ट न होकर कौन हो सकता है? अब यहां यह भी संभव है कि यमराज ने क्या कर दिया है, आशीर्वाद दे दिया है, तो हो सकता है कि वो जो प्रेम का जागृति हो वो किसके कारण हो, वो आशीर्वाद के कारण हो रहा। हमको क्या लग रहा हो कि पहले जैसा ही हो रहा है। अच्छा मैं भी और आगे भी दृष्टांत देता हूं, लेकिन ये जो सिद्धांत है इसको देखो। तो कभी भी जीवन में एकदम से फैसले ऐसे नहीं लेना, आप कभी कभी इसको ऐसा बोलते भी हैं कि इस व्यक्ति को देखकर ही मेरा मन क्या आता है, प्रेम करने के लिए लगता है। एक कारण उसका दृष्ट भी हो सकता है, लेकिन बहुत कुछ होने के बाद में भी व्यक्ति उसको प्रेम करता ही रहता है, तब समझना चाहिए कि इसके पीछे कोई अदृष्ट कारण भी है। अब वो आएंगे अदृष्ट कारण क्या है, ये भी मीमांसा करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, प्रीति का कारण और विरोध का कारण सिर्फ दृष्टि ही होता है ऐसा नहीं है। प्रीति का कारण, विरोध का कारण प्रत्यक्ष के अलावा, हाँ तो जो आपको दिखाई नहीं देता है वह भी हो सकता है, विरोध का भी और प्रीति का भी। अच्छा जी बोले और कुछ चीजें इसमें बताइए। एक आप सुंदरकांड में इसको पढ़ते हो, आप देखो सुंदरकांड में हनुमान जी को नहीं, माता जी ने आशीर्वाद दिया, अब प्रेम राम जी ने स्वतः किया, अभी ये कोई कुछ नहीं कह सकता।
हनुमान जी के स्वभाव के कारण हुआ ये पता नहीं। करहुं बहुत रघुनायक छो, ये किसने आशीर्वाद दिया? पढ़ा आपने ना सुंदरकांड, रामायण को ऐसे भी तो देखो आप। करहुं बहुत रघुनायक छो, रघुनायक मतलब जाओ हनुमान जी आपको क्या करें, भगवान राम, राम तो बोल नहीं सकती पति का नाम है, रघुनायक छोहू, छोहू मतलब तुमको क्या करें। अब ये क्या है अब बताओ आप, है ना? तो ये दैवी दिखता है कि नहीं दिखता है? प्रीति का जिसको दृष्ट बोल रहा हूं, और अच्छा शब्द ले लो, दैवी भी हो सकता है। व्यक्ति कुछ दैवी शक्ति के कारण क्या करता हो, यहां तो स्पष्ट दिखता है कि हनुमान जी को जो आशीर्वाद दिया तो राम जी चाहें और राम जी न चाहें, लेकिन माता जी ने आशीर्वाद दिया तो आशीर्वाद तो फिर उसके लिए चौपाई नीचे आई ना। आपका जो आशीर्वाद है वो कैसा है? अमोघ है। क्या चौपाई है? नहीं नहीं नहीं, आशीर्वाद के लिए अमोघ शब्द आया है। ये आशीष तव अमोघ, इसका मतलब हनुमान जी का चरित्र खुद नहीं कह रहे हैं, आपने जो आशीर्वाद दिया है ये अमोघ, अमोघ मतलब निष्फल। तो प्रेम का जो कारण बना वो कौन बना? दो। ये कहां से हो गया भाई? यहां प्रेम का कारण कौन बना? यमराज का आशीर्वाद, यमराज ने वरदान दिया बना ना। ये सिद्धांत दिखता है आपको? ये क्या दिखाया? बहुत जगह ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि किसी के दैवीय शक्ति के कारण उसके चित्त में वह चीज, तो दोनों चीजें हैं, किसी दैवीय शक्ति के कारण विरोध भी होगा, किसी दैवीय शक्ति के कारण प्रीति भी होगी। मैं तो प्रीति का उदाहरण आपको दिखाया, मिल गया। और यही नहीं, और जब ये आशीर्वाद मिला तो हनुमान जी मगन हो, ये आशीर्वाद सुनते ही मगन हनुमाना, हनुमान जी क्या हो गए? मगन हो गए। वाह, अब देखो, अब लिंग बैठा हुआ, आशीर्वाद जब दे दिया माता जी ने, तब हनुमान जी को जब ये सुनाई दिया कि एव मस्त, ऐसा ही हो, हनुमान जी मस्त हो गए। तो अब ये चौपाइया, अब ये सिद्धांत देखो, अब मैंने इसलिए दृष्टांत दिया, तो प्रीति का कारण, हाँ, दृष्ट मतलब क्या कह सकते हैं, दैवीय शक्ति भी हो सकती है। तो कभी ऐसा भी होवे तो भी उसको बुरा, उसको ऐसा मत समझो कि कुछ गड़बड़ हो रहा, ना 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 ना, वो दैवीय शक्ति आपसे जबरदस्ती क्या कर लेगी, करवा लेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ है। अच्छा, अब प्रश्न है, वह जो दृष्ट कर्म है, इसको भी और खुल रहस्य मत रहने देना, वह जो दृष्ट कर्म है वो कुछ और नहीं है, आपके पूर्व का किया गया कर्म ही है, जो कि अब अदृष्ट बन के क्या हो रहा है, आ रहा है ना, आपके पूर्व के किए। ऐसा नहीं कि कोई छप्पर फाड़ के दे रहा है, ऐसा नहीं है, आपके पूर्व के किए गए कुछ कर्म होंगे, तो वो जैसे ही आपकी उनसे मुलाकात हुई वैसे ही बात क्या हो गई, बन गई। आपने ऐसे दो जोड़ी को देखा, एक ही बार में देखा, एक ही बार में मिला, और एक ही बार में देखते मिलते ही दोनों की बात बन गई, दोनों का विवाह भी हो गया, सब कुछ हो गया। अभी इसको क्या कहोगे आप? ये दैवी संयोग है, आपके हाथ में नहीं है। अच्छा, उल्टा भी है,
हजार बार करो और इधर से कुछ नहीं मिल रहा है, और इधर न जाना न अनजाना न कहीं कुछ पता, लेकिन वो व्यक्ति आता है तो आता ही नहीं, जीवन में आपकी बड़ी गहराई से क्या कर गया, प्रवेश कर गया। ले इसको क्या कहोगे, बना ये है दैवी शक्ति। अब ये चिंतनीय प्रश्न है कि यमराज का जो प्रेम है, वो नचिकेता के पिता का जो प्रेम है, वो पितृत्व के कारण है, वो नचिकेता के चरित्र के कारण है, ये भी ऑप्शन दे सकते हैं। मैं इस भाई गुरु है, पिता है, कोई ज्येष्ठ है, आपसे श्रेष्ठ बड़े हैं पूर्वज, वो आपके आचरण को देखकर क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो ना तो इसमें दैवी हेतु बना ना कुछ बना, आपने अच्छा आचरण किया इसलिए वो देखकर क्या हो गए, आपको प्रसन्न हो गए, ये भी हेतु हो सकता है। स्पष्ट हो गया? तो हनुमान जी का कर्तृत्व नहीं है, सीता जी का क्या है, आशीर्वाद है। इसी तरीके से नचिकेता का कोई कर्तृत्व नहीं है, आशीर्वाद किसका है, यमराज का है। तो यमराज तो स्पष्ट बोलते हैं, जाओ एवं अस्तु यथा पुरस्ता भविता प्रतीत औद्दालिकारुणी मत प्रसृष्टः। अच्छा, तो ये पहली पंक्ति स्पष्ट हुई। ततः मृत्यु उवाच यथा बुद्धिस्त्वयि पुरस्ताद पुरस्ताद पूर्वम आसीत, जाओ मैं तुमको ये आशीर्वाद, जैसे कि बुद्धिस्त्वयि, त्वयि मतलब तुम्हारे प्रति, तुम्हारे प्रति जो बुद्धि उनकी पहले थी, पूर्वम आसीत, आसीत मतलब था, ऐसी ही स्नेह, कैसी थी पहले बुद्धि, स्नेह समन्विता, अब जब तुम जाओगे पितुहु, तब तुम्हारे पिता की वही स्थिति होगी जो पहले थी। हो गया। अब पिता का यहां नाम दे दिया, क्या देते हैं, औद्दालकी ही, है ना, औद्दालकी ही मतलब हा? ऐसा नहीं लिखा है, वो अलग है, वो अलग है, दोनों मिक्स मत करना। तो जनरली लोग यही कहेंगे, जो आपने बोला उद्दालक के पुत्र, भगवान भाष्यकार ने इसको मना किया, क्या बोलते हैं, उद्दालक एव औद्दालिक ही, उद्दालक को ही औद्दालिक कहते हैं, ना कि उद्दालक का पुत्र औद्दालिक। पकड़ में आ रहा है, सावधान। अरे भाई आरुणी पे आ रहे हैं ना, अभी हम आरुणी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी आरुणी की बात तो भी मैंने की नहीं, मैं पहला शब्द क्या ले रहा हूं, आपके श्रुति में शब्द क्या आया है, कहां उद्दालक आया, ध्यान से तो पढ़ो भाई, आंखें फाड़ो, ऊ ना बोलो भाई, हाँ औद्दालिक, ऊ शब्द मत बोलो, औद्दालिक। अब सामान्य अर्थ जो लोग करते थे कि उद्दालक का पुत्र औद्दालक, ऐसा अर्थ नहीं है यहां, एकदम सावधान रहना। आया? अब ये तद्धित प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय अब आपको और टेक्निकल इसमें क्या, भाई एक था कि सुमित्रा का पुत्र है ना, दशरथ का पुत्र है ना, दशरथ, वसुदेव का पुत्र, तो यहां उद्दालक का पुत्र औद्दालक नहीं, उद्दालक का पुत्र औद्दालक नहीं, क्या बोलते हैं भाष्यकार, अंडरलाइन कर लीजिए, औद्दालक एव औद्दालकी ही, मिल गया कि नहीं मिल गया, इसको बोलते हैं स्वार्थे, दैमातुर से प्रद्वेपी त्रिपित्तस्य स्वार्थ पिता एकं वित्रम उद्दालिका। अच्छा,
चलो संस्कृत पढ़ाने से कोई फायदा नहीं। एक आता है पुत्र से, अभी वो भी शब्द उदाहरण दिखाते हैं। अच्छा ठीक है, तो पहला क्या हो गया? तो ये मत बोलना उद्दालक का पुत्र औद्दालक ना, भाष्यकार क्या बोल, उद्दालक एव, एव मतलब ही, उद्दालक को ही यहां पर औद्दालिक कहा जा रहा है। स्पष्ट हो गया? अब दूसरा, अब पुत्र क्या, आरुणी, मिल गया आरुणी, अरुणस्य अपत्य आरुणी, ये अरुण का जो पुत्र है उसका नाम आरुणी हो गया। अरुण का जो पुत्र है, अरुणस्य अपत्य, मिल गया आपको भाष्य में, अपत्यम आरुणी ही, अरुण का जो पुत्र है उसका नाम क्या पड़ गया, आरुणी। क्या हाँ, कोई जरूरी थोड़ी ना भाई, राम नरेश का लड़का राम घनेश हो गया ऐसा जरूरी नहीं है, राम नरेश का लड़का गणेश भी हो सकता है भाई। राम नरेश का लड़का राम घनेश होवे, दिनेश का लड़का रमेश होवे, ऐसा कोई जरूरी तो, दिनेश का लड़का गणेश भी हो सकता है ना। तो ये तो संस्कृत बहुत ध्यान से देखने वाली है। अच्छा अब देखो, कुल मिलाकर इसके पिता के कितने नाम पड़े, तीन नहीं है महाराज? पहला नाम वाजश्रवस, दूसरा नाम गौतम, कल कहाँ चला गया, और गाओ गाना, बुद्धि जा रही, तो एक हो गया ये, तीसरा औद्दालिक, और चौथा क्या हो गया, आरुणि, हो गया ना। अब ऐसा कहा जाता है, देखो वाजश्रवस जो नाम पड़ा, जो इनका पड़ा, वो अपने पिता के, पिता मतलब पिता दानी थे, पिता वाजश्रवा थे, वही अन्न के दान देने के कारण ही जो उन्होंने स्थापित कर रखे थे अन्न के क्षेत्र, वो अन्न के क्षेत्र क्या करते थे, ये भी चलाते थे, तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, तो वह नाम कीर्ति नाम कहलाता है। ऐसा नाम क्या कहलाता है, कीर्ति नाम, कीर्ति नाम मतलब कीर्ति नाम सुनते सुना, हाँ जैसे कि इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेठाइन, तो ये जो सेठाइन नाम हुआ, ये क्या हुआ, तो समाज में आप देखते हैं ना लोग डाले कि सेठ जी आ रहे हैं, तो ये तो कीर्ति नाम हो गया ना, ओरिजिनल नाम नहीं है। अरे ये तो समाज में कुछ क्रिया प्रतिक्रिया, अरे लोग ये भी बोलते हैं वो दुर्वासा आ रहे हैं, तो दुर्वासा नाम थोड़ी ना, दुर्वासा नाम थोड़ी ना, तो वो तो इसलिए बोलते हैं कि माँ गुस्सैल आदमी है इसलिए इसका नाम रख, हाँ अब भगवान जाने, वो तो घर वालों से मिलने पे पता लगेगा, यहाँ जो आपके चेहरे हैं ये सब नकली हैं, आपका वो माताजी लोग बताएंगे और आपके जो भगवान महात्मा आपके हैं वो मिलेंगे तब असलियत समझ में आती है, ये तो हमें साक्षात नकली दिखता है, तो मुझे भी पता है ये सब, ये पक्की बात है। जहाँ 23 घंटा आप रहते हो ना, वहाँ बोले जरा सी बात करो तो मुँह से आग ही निकलती इनके, बस आपके सामने ही है सब कुछ मामला ठीक, तो ये भी स्वभाव है, उसमें कौन सी बड़ी बात, हाँ असली चेहरा छिपा है तो मुखौटा है, ठीक है। तो अब अच्छा विषय पे आना, तो जो वाजश्रवस नाम है, एक ऐसा नाम है कीर्ति नाम है, क्यों कीर्ति, क्योंकि अन्न के दान देने के कारण ये नाम है वाजश्रवस, स्पष्ट हो रहा है ये सब चीजें। तो एक नाम पड़ गया वाजश्रवस,
दूसरा नाम पड़ गया गौतम, तीसरा नाम पड़ गया औद्दालिक, और चौथा नाम पड़ा अरुण के पुत्र होने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया, आरुणी, है ना। तो अब इसमें देखो, ये भाष्य में नहीं आया, लेकिन ओ मंत्र में नहीं आया, लेकिन भाष्य में देखो एक शब्द है, एक टेक्निकल शब्द है। हाँ, द्वयम उष्णायण मिल गया। बोले ये क्या है द्वयम उष्णायण? बोले ऐसा हो सकता है, संभव है, बहुत सारी नहीं है। ये पुत्र तो थे उद्दालक के, और उद्दालक, लेकिन इनको जो गोद ले लिया वो किसने ले लिया, अरुण ने गोद ले लिया, दो दुख पितावे। ये किस शब्द से मैं अर्थ कर रहा हूं, द्वया भी उष्ण, पता नहीं आपके में दी आया है ऐसा, हिंदी आया है ऐसा, अथवा यह भी हो सकता है। अच्छा हाँ, ये हिंदी आया तो है कि द्वयम उष्णायण, एक का पुत्र दूसरे की गोद में चला गया होवे। देखो ये मैं कह रहा हूं, होवे पुत्र किसके, उद्दालक के, लेकिन गोद किसने ले लिया, तो अरुण ने गोद लिया, इसलिए क्या नाम पड़ गया, अरुणी तो नाम पड़ा, लेकिन पिता कौन थे, अरुण, तो कितने पिता हो गए, दो, एक औद्दालिक हो गए। इसको ऐसा कह लो भाई, एक तो रजवीर जो जिस शरीर से जन्मे, उस जन्मे पिता का नाम क्या था, औद्दालिक, लेकिन अरुण ने क्या कर लिया, इनको गोद ले लिया, तो गोद लेने के कारण अब इसी को क्या बोलते थे, दत्तक पुत्र। कृष्ण को तो भाई वो मायावी आदमी, आप उनको छोड़ दो, तो सब उनका कोई भी चीज ठीक नहीं, उनके कौन पिता नहीं बने, जब मन चाहे जिसको पिता बना लेते हैं, जब काम निकालना होगा पिता बना ले, पत्नी बना ले, दोस्त बना ले, सब कुछ ठीक, महामायावी आदमी हो तो। अरे आप देख नहीं रहे, तो उस राक्षस को क्या कर दिया उन्होंने, वो जिसके रणछोड़ जब बने, तो जब देखो तो प्रणाम भी कर दें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेवा भी कर देते हैं, किसी तरीके से हित होना चाहिए सृष्टि का। पूतना को उसका स्तनपान किया, सोचो ऐसे ही मार देते, क्या जरूरत थी ये सब करने की, सीधे ही मार देते, लेकिन नहीं, बोले फिर नमक का कर्जा, तो हाँ तो यही मैं करूँ, इसलिए मोक्ष देना ही उनका प्रमुख, ये क्रियाएं उनकी कोई प्रमुख, इसलिए उनका तो देखना चाहिए अंतिम परिणति क्या हुई, जिसको जिसको उन्होंने स्पर्श किया उसका उसका क्या कर दिया, उद्धार कर दिया, जिसको जिसको भी छुआ उन्होंने। अच्छा खैर, तो मैं ये कह रहा था, देखो इसका मतलब यह जो दत्तक पुत्र की अवधारणा है, हाँ ये शास्त्र में पहले भी आई हुई है। दूसरा आस्पेक्ट, इससे क्या फायदा है, अब कानून तो अभी यह मुझे इस पचड़े में कभी पड़े नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज ये सुन लीजिए, अगर वह पुत्र गोद लिया हुआ हो पुत्र, तो पहले पिता की भी अंत्येष्टि का उसको पिंडदान करेगा तो भी मिलेगा, और जिस पिता ने गोद लिया है उस पिता का भी पिंडदान करने पर उसका पिंड ग्रहण करेंगे। देखो जी बन गया, तो कितना बड़ा हो गया, इसीलिए लोग गोद भी लेते थे, आगे वंश तो चले ही चले, लेकिन वह जो पिंडदान था, वह पिंडदान जब पुत्र करेगा तो दत्तक पुत्र होने के बावजूद, है ना, वो अगर उनका पिंडदान करेगा तो वो पिंड को क्या कर लेंगे, वो ग्रहण करेंगे, यदि वह दत्तक पुत्र होवे तो। अब कानून क्या कहता है आज का पता नहीं, कानून मुझे जहां तक जितना पेपर पढ़ने में आता है कि यदि उसने दूसरा पिता, मतलब किसी ने उसको गोद ले लिया, ठीक है, तो पहले पिता की संपत्ति में उसका कोई अधिकार नहीं रह जाता,
है ना, यही है ना कानून। देखो अब कितना अंतर हो गया ना संविधान और शास्त्र। शास्त्र क्या कहता है, नहीं उसका तो पिंडदान में भी अधिकार है, ठीक है, लेकिन आज का कानून कहता है यदि उसको किसी और ने क्या कर लिया, गोद ले लिया, तो पहले वाले की संपत्ति में उसका अधिकार नहीं रहेगा। जी समझ में आना चाहिए ये सब चीजें, दत्तक पुत्र की अवधारणा। लेकिन शास्त्र तो ऐसा नहीं कहता, शास्त्र तो उससे भी बड़ी बात कहता है कि देखो अब ये सिर्फ एक शब्द के लिए इतना बोलना पड़ा मुझे, कौन सा शब्द था ये, द्वयम् उष्णायणः, एक का पुत्र जब दूसरे की गोद में चला जाता है उस स्थिति में दोनों ही, देखो यह है ना, दोनों ही पितरों के पिंडन आदि का अधिकारी हो जाता है, वह दत्तक पुत्र दोनों पिता की संपत्ति का स्वामी भी हो जाता है। देखो आज के कानून से अलग हो गया कि नहीं, वो तो उसमें भी अधिकारी है और इसमें भी अधिकारी है, लेकिन आज का कानून ऐसा नहीं कहता, स्पष्ट हो गया। तो संभव है वाजश्रवस उद्दालक एवं अरुण में से एक का, और आपकी हिंदी पढ़ रहा हूं देख लो आपकी, हमें एक का औरस पुत्र हो और दूसरे, औरस पुत्र मतलब है ना, हाँ रियल जो है जिसके रज और वीरे, जो माता के वीरे से जिसका जन्म हो, शरीर का जो पिता है ना, शरीर के पिता को क्या औरस पुत्र, और दूसरे की क्या कर दिया गया हो, गोद में गया हो, ऐसा हो सकता है, इसलिए वाजश्रवस को औदालिक एवं आरुणी के दो नाम से श्रुति ने कहा है, दो नाम की बात बताई। ऐसा देखो श्रुति नहीं कह रही है, श्रुति ने तो दो नाम दे दिए, भाष्यकार ने ये क्या किया है, संगति लगाई है कि क्यों इतने नामों की आवश्यकता पड़ रही है, तो वह यह बताना चाहते हैं कि इनके दो पिता थे, तो इनका पूर्व वृत्त भी आप क्या कर लो, जान लो, हो सकता बाद में काम में ही आए कुछ और बताएंगे, स्पष्ट हो गया। गौतम नाम, गौतम ऐसे ही है, गौतम के लिए कोई जरूरत नहीं भाई, कई नाम हो सकते ना, एक आदमी कितने सारे नाम होते हैं, तो बात सिर्फ किसकी आई, औदाल की और आरुणी की बात आई। अच्छा अब देखो, यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औदालिकारुणीर मत प्रसष्ट सुखम रात्रि शयितावीत मन्यु त्वाम दद्र शिवान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम यथा बुद्धिस्त्वयि पुरस्तात् पूर्वमासीत स्नेह समन्विता पितुस्तव भविता प्रीति समन्विताः तव पिताः तुम्हारे जो पिता हैं तथैव प्रतीता वो पहले जैसे ही तुमको प्रेम करते रहेंगे। प्रतीतवान सन किसके सामने ये होगा, बोले औदालकी उद्दालक एव औदालकी अरुणस्य अपत्यम, भाष्य मिलता जा रहा है वही पढ़ रहा हूं मैं, अरुणस्य अपत्यम आरुणी है ना, द्वयम् उष्णायणो, तो ये जो व्याख्या की ये किसकी की है, उष्णायणो हूं वा मत प्रसिष्ट मत अनुज्ञात सन इतरा अपि रात्रि ही सुखम प्रसन्न मनाहा। हो गया, तो जाओ तुम्हारे पिता खूब अच्छे से सोएंगे, खूब अच्छे से नींद आएगी, ये मैं तुमको क्या कर देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, ऐसा है, आगे कल देखेंगे। कौन से अध्याय, 16। ओम श्री परमात्मने नमः, अथ षोडशोध्याय, श्री भगवान् उवाच, अभयम्।